मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, बेस थ्योरम और उस पर आधारित एक सम को डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे। टुडे एक न्यू टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, एक और लास्ट टॉपिक जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। दो टॉपिक आपका बच गया प्रोबेबिलिटी में, तो टुडे डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से टेबुलर फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। न्यू टॉपिक्स हो गया है ना, न्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इसमें इफ एक्स बी ए रेंडम वेरिएबल्स, एक्स बी ए रेंडम वेरिएबल है ना। एक्स क्या हो गया, कोई एक रेंडम वेरिएबल्स है, एंड लेट एक्स बी ए रेंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज, इस तरह का वैल्यूज वो ये टेक करता है या ऑप्टेन करता है, x1 x2 x1 एंड इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी b p1 p2 p3 dash dash pn। ऐसा x क्या हो गया, रेंडम वेरिएबल हो गया। रेंडम वेरिएबल्स है, उसका डिफरेंट वैल्यूज xn तक लिए, उसी का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। x1 है तो उसका p1 लिए, x2 है तो उसका p2 लिए, xn है तो उसका क्या लिए, p1 लिए। लेट एक्स बी ए रेंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यूज x1 x2 dash dash xn एंड इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी p1 p2 p3 dash dash pn, वेयर इच पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड समीशन i इक्वल टू वन से n pi इक्वल टू वन हो, then the probability distribution of random variable xb denoted by px and given by किस तरह से हम इसको लिखेंगे, किस तरह से इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। एक रेंडम वेरिएबल हो गया x, तो उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू जो हम ले लेते हैं x1 x2 x3 dash dash xn, और इसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो रेंडम वेरिएबल है उसी का रिस्पेक्ट में x1 है तो इसके लिए p1 लेंगे, इसके लिए p2 लेंगे, इसके लिए p3 लेंगे, डैश डैश इसके लिए क्या ले लिए, p1। तो सच टाइप्स ऑफ इंडिकेशन, सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस नो इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इस तरह का एक्सप्रेशंस को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं। सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन
सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉएज नॉएज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए रेंडम वेरिएबल एक्स रेंडम वेरिएबल एक्स. थोड़ा सा नोट में ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का. एक कंडीशंस है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को कब हम ऑब्टेन करेंगे. इसमें सबसे पहला है इच पीआई जो होगा रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो रैंडम वेरिएबल्स का जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है उसके लिए इच पीआई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और समीशन जो है वन से एन तक पीआई का कितना आना चाहिए वन आना चाहिए. इससे ना ग्रेटर होना चाहिए ना इक्वल होना चाहिए. ये दोनों कंडीशंस को होल्ड करता हो तो सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द रेंडम वेरिएबल्स नॉइज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम क्या बताएं कि लेट एक्स बी ए रेंडम वेरिएबल्स उसका वैल्यू रेंडम वेरिएबल है तो वन टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तक भी ले सकते हैं. हम थोड़ा रेंडम वेरिएबल था एक्स एन तक ले लिए और इसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है पी वन पी टू से पी एन तक ले लिए. वेयर इच पी आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है और समीशन करेंगे उस रेंडम वेरिएबल्स का जो वैल्यू है उसी का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को यदि हम सम करेंगे तो उसका वैल्यू वन से ग्रेटर ना होना चाहिए ना लेस होना चाहिए इक्वल टू वन होना चाहिए. देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेंडम वेरिएबल्स एक्स इज डिनोटेड बाई पी एक्स एंड गिवन बाई इन दिस टेबल्स. सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस इस तरह का एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. तो आपको समझ आ गया होगा. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का ये कंडीशंस है पहले भी हम मेंशन कर चुके हैं. थोड़ा सा अब ध्यान रखना है कि रेंडम वेरिएबल्स का वेरियंस कैसे निकालेंगे मीन कैसे निकालेंगे मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशंस किस तरह से फाइंड करेंगे. मान लीजिए आपका रेंडम वेरिएबल्स एक्स है लेट अब जो नेक्स्ट आपको जो फाइंड करना है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का हेल्प से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का टेबल से चार्ट से आपको रेंडम वेरिएबल्स का मीन फाइंड करना है उसका वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशंस फाइंड करना है. तो बोलिएगा सर इसके लिए हम क्या करेंगे. तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का चार्ट बनाना होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का टेबल बनाना होगा. इसके बाद आप उसका मीन भी निकाल लीजिएगा और वेरिएंस भी निकाल लीजिएगा. तो देखिए अब लिखेंगे मीन एंड वेरिएंस मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रेंडम वेरिएबल्स रेंडम वेरिएबल्स एक्स. तो लेट एक्स बी ए रेंडम वेरिएबल लेट एक्स बी ए रेंडम वेरिएबल्स टेक्स द वैल्यू वैल्यूज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डैश डैश एक्स एन एंड इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बी पी वन पी टू डैश डैश पी एन वेयर इच पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड समीशन आई इक्वल टू वन सेन पी आई इक्वल टू वन. देन मीन ऑफ द देन मीन ऑफ द रेंडम वेरिएबल एक्स रेंडम वेरिएबल एक्स बी डिनोटेड बाई
by mu or expected value of x any ex and given by इसका मीन निकालेंगे. समीशन आई इक्वल टू वन से एन पी आई और एक्स आई, इसका सम कर लेंगे मीन आ जाएगा. नाउ द वेरियंस ऑफ द रेंडम वेरिएबल्स एक्स. Now the variance of the random variables x be denoted by sigma squares and given by sigma square equal to summation I equal to 1 से n x I का whole square p I minus mean का squares. इस टेबल से आप रैंडम वेरिएबल्स का वेरियंस फाइंड कर लीजिएगा. Now its standard deviations means now the standard deviations of the random variables x. Now the standard deviations of the random variable x b given by standard deviations root square root जो है variance का square root आप find कर लीजिएगा. क्या variance का इस तरह से standard deviations random variables का find कर लीजिएगा. यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का चार्ट आप सही बना लेते हैं, सही चार्ट यदि आप ड्रॉ कर लेते हैं, सही चार्ट यदि आप बना लेते हैं रैंडम वेरिएबल का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का चार्ट आप सही फाइंड कर लेते हैं, तो रैंडम वेरिएबल्स का मीन्स भी आप निकाल लीजिएगा, उसका वेरियंस भी फाइंड कर लीजिएगा और स्टैंडर्ड डिविएशंस भी फाइंड कर लीजिएगा. एक क्लास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर 20 उसका प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा वीडियो में. थोड़ा सा आपको अभ्यास की ज़रूरत है, बार बार लिखने की ज़रूरत है और लगभग सब सम जो है मिलता जुलता होता है. धन्यवाद.